विधायक भाई रजीत सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय मोहित तरकेश्वर जी, आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी, विजय केसरवानी जी, आदरणीय अनीता डुंगरे जी और दूसरे खिलाड़ी सभा अंजुम जी जो मेरे अपने जिले से आते, हम लोग एक ही जिले के हैं, सभी अधिकारीगण उपस्थित, हॉकी खिलाड़ी, हॉकी खेल के प्रेमीजन, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर पहुंचे हैं और यहां पर कांग्रेस नेताओं से मिलने के बाद बहतराय स्टेडियम में नेशनल सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसके अलावा वो शहर की कई गतिविधियों में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि भूपेश बघेल आज बिलासपुर में है और वहां पर सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि बहतराय स्टेडियम में 9वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता चल रही है और इस प्रतियोगिता में तकरीबन 5 बजे मुकाबले भी होंगे यहां पर। जी आपको बता दें कि यहां पर टूर्नामेंट में कुल 22 टीमें उतरी हुई हैं। सभी टीमों में 4-4 मुकाबले खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की टीम डिवीजन बी के पूल ए में है, जबकि पिछले साल छत्तीसगढ़ की आज सब में कुछ खास है, तभी आप राष्ट्रीय स्तर के स्पर्धा में आप चयनित हुए हैं। आप जी जान से खेलें और अपनी टीम को जिताने के लिए अपना शत प्रतिशत लगा दें। आपके खेल और आपके अनुभव से दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नए खिलाड़ियों को बड़ा लाभ होगा, उनके लिए आप एक प्रेरणा हैं। मैं जानता हूं कि आप सब ने खूब तैयारियां की हैं, आपके कोचों ने भी पीछे से खूब मेहनत की है। आप को एकाग्र होकर अपना लक्ष्य हासिल करना है। छत्तीसगढ़ में हॉकी की शानदार परंपरा रही है, यहाँ के खिलाड़ियों ने इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। आप में से बहुतों ने संभवतः पहली बार छत्तीसगढ़ आए होंगे, बहुत सारे युवा दोस्तों को शायद छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं होगा या बिल्कुल नया राज्य है। आपके ही जैसे युवा है इस नए राज्य में, वैसा ही जोश खरोश है जैसे आपके भीतर है, वैसे ही सपने हैं जैसे आपके सपने हैं, वैसी ही क्षमता है जैसी आपके भीतर क्षमता है। इस राज्य में न तो संसाधनों की कमी है न प्रतिभाओं की, हम नए संसाधनों के निर्माण और उपलब्ध संसाधनों से